इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज चित्रकला और राष्ट्रीयता नामक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हो रहा है उसका अध्ययन किए थे। आज हम लोग चित्रकला का प्रभाव देखेंगे कि किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवाद चित्रकला के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, या राष्ट्रीयता का प्रभाव जनमानस पर किस प्रकार पड़ रहा है और इसमें चित्रकारों ने क्या भूमिका निभाई थी उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें मुख्यतः हम लोग पहली जो चित्रकारी है भारत माता, भारत माता आप देख रहे हैं यहाँ पे, भारत माता नामक चित्रकारी, ये 1905 में अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। बच्चों, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने जो पेंटिंग बनाई थी, जो चित्रकारी बनाई थी, उसका नाम बंग माता था। इस पेंटिंग को, इस चित्रकारी को, अर्थात बंग माता को भारत माता कहने का श्रेय भगिनी निवेदिता को जाता है। उन्होंने ही बंग माता का नाम भारत माता के रूप में प्रस्तुत किया था। यह चित्र असाधारण था बच्चों, यह चित्र असाधारण था। इस प्रतीकात्मक चित्र में भारत माता को एक युवती सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। समझ में आई बात? देवी लक्ष्मी के समान इनकी चार भुजाएं हैं। इनमें एक गट्ठर, वस्त्र, तामपत्र एवं माला लिए हुए दिखाया गया है। यह राष्ट्रीय मातृ देवी के रूप में अपने संतानों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा और आध्यात्मिक शक्ति का वरदान देती हैं। बच्चों, ये चित्र नव राष्ट्रीयतावाद का प्रतीक हो गया था। यहाँ थोड़ा इस वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, यह चित्र नव राष्ट्रीयतावाद का प्रतीक हो गया था और स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह चित्रकारी अधिक जनप्रिय हो गई थी। ये लोकप्रिय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होने लगी थी। समझ रहे हैं? अर्थात इस चित्रकारी के माध्यम से जो भारतवासी थे वो अपनी परिकल्पना को साक्षात देख रहे थे कि हमारी भारत माता इस प्रकार हैं। आई बात समझ में? तो यह राष्ट्रीय और राजनीतिक भावनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। समझ गए? तो भारत माता के बारे में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गगनेंद्रनाथ ठाकुर का व्यंग चित्र। गगनेंद्रनाथ ठाकुर का व्यंग चित्र बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोग। गगनेंद्रनाथ ठाकुर जो थे ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ये व्यंग चित्र में माहिर थे। किसमें? व्यंग चित्र में माहिर थे। समझ में आई बात? व्यंग चित्रकार के रूप में इनका नाम विख्यात था। प्रवासी एवं मॉडर्न रिव्यू में इनके व्यंग चित्र छपते थे। प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू पत्रिकाएं थी जिसमें इनके व्यंग चित्र छपते थे। समझ रहे हैं? इस चित्रकारी के, इनके चित्रकारियों के दौरान, यानी जो गगनेंद्रनाथ ठाकुर जो चित्रकारी करते थे उससे औपनिवेशिक समाज की झलक मिलती थी, यानी अंग्रेजों के शासन के समय के समाज की झलक मिलती थी। विभिन्न जो पहलू थे वो हमें देखने को मिलते थे इनकी चित्रकारियों के माध्यम से। बंगाल के जो बाबू वर्ग थे, यानी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था बंगाल का, वो किस प्रकार गोरों की नकल करता है और चापलूसी करने वाले शिक्षित भारतीयों का कार्टून के माध्यम से तिरस्कार किया था। बंगाली समाज पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है इसका भी चित्रण उन्होंने किया था।
बच्चों, इनकी चित्रकारियां राष्ट्रीयता से प्रेरित होती थीं। ये राष्ट्रीयता से प्रेरित चित्रकारी करते थे, समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के उनके जो चित्र थे वो औपनिवेशिक समाज या जीवन का प्रतिबिंब उनके चित्र में झलकता था, ठीक है। उन्होंने जलियांवाला बाग 1919 में जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिप्रेक्ष्य में पंजाब की राजनीतिक दुर्दशा पर भी हास्य चित्र प्रस्तुत किया था। बंगाली समाज के आचरण एवं बुराइयों को भी उन्होंने हास्य चित्र के माध्यम से दर्शाया था। तो इस तरह से जो गगनेंद्रनाथ ठाकुर थे वो अपने व्यंग्य चित्रों, हास्य चित्रों के माध्यम से लोगों के बीच में एक चेतना, एक राष्ट्रीय चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। तो बच्चों, इस प्रकार ये हमारे इस पाठ की आखिरी टॉपिक थी। इस तरह से हमारा यह पाठ कंप्लीट हो गया, पाठ 4। अब हम लोग अगली क्लास में पाठ 5 पर आएंगे, और आप लोग सारे वीडियोस को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और एक वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।